दोस्तों, मुझे अपने पोको X2 फ़ोन में जैसे ही अपडेट मिला, मैंने उसे अपडेट किया। यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे आप सभी वेट कर रहे हैं अपडेट के लिए, तो मैंने एक ट्रिक्स अप्लाई की थी। उस ट्रिक के तहत मुझे केवल 24 घंटे के अंदर अंदर अपडेट देखने को मिल गया, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मुझे फ़ोन अपडेट करने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि नॉर्मली आप सभी लोग फेस करते हैं। मैं उसके बारे में भी बताने की आपको कोशिश करूंगा। साथ में दोस्तों, इसकी अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो 3 से 4 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली। सबसे पहले जब मैंने इसको नाइट में 11 से 11:30 बजे के आसपास इसको अपडेट मुझे मिला था, मैंने इसको अपडेट भी कर लिया फटाफट। और जब मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा था, मतलब यूट्यूब देख रहा था, तो जो बैक साइड होता है वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं थोड़ी देर तक सारे जो इनके सिक्योरिटी ऐप्स होते हैं उनके सारे टेस्ट किए। देन उसके बाद भी जब मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बार बार फ़ोन गर्म हो रहा था, तो फिर मैंने कर दी एक बहुत बड़ी गलती। फिर मैंने अपने फ़ोन को किया रीस्टार्ट। मैं क्या सोचा, चलो एक बार रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है, रीस्टार्ट कर लेते हैं। जब मैंने रीस्टार्ट किया दोस्तों, तो मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी घबरा गया कि हो सकता है, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं था कि फ़ोन मुझे रीसेट करना पड़ेगा, मुझे टेंशन था डेटा का जो कि इसके अंदर होता है। फिर मैंने 2-3 बार कोशिश की है, उसके बाद 2-3 बार मैंने इसको बंद चालू किया बार बार, बट ये पोको की वाली स्क्रीन्स आगे नहीं आ रहा था। फिर मैंने वाइप डेटा वाला जो इनका ऑप्शंस होता है रिकवरी मोड में, उसमें जाके रीसेट करने की कोशिश की, बट मैंने रीसेट नहीं किया। एक बार रीसेट को ओके करके मैंने कैंसिल कर दिया, फिर से मैंने ऑन किया तो बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन ओपन हुआ। दोस्तों 3 बजे तक मैं रात को परेशान होता रहा, तब जाके जब मेरा फ़ोन ऑन हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू चार्ज लगा दिया, पहले इसका बैकअप लिया और अब मैं इसको रीसेट भी करने वाला हूँ। तो ये एक मुझे मेन दिक्कत मिली, क्योंकि मैंने गलती भी नहीं किया दोबारा इस फ़ोन को बंद करने की। इसके अलावा इसमें अपडेट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आया है, जैसा कि है इसकी चार्जिंग को लेकर। इसकी चार्जिंग बहुत स्लो हो रही है। जैसे मेरा पहले 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है, अब मैं 30 मिनट अगर चार्ज लगा रहा हूँ तो ये 20 से 25% चार्ज हो रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, या तो ये बग्स है या क्या प्रॉब्लम्स है। हो सकता है आपको ये सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट करने के साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपके इशू होते हैं प्लीज़ दोस्तों नीचे कमेंट करके सजेस्ट ज़रूर कर सकते हो, और आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं नीचे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इसके अलावा अगर इसकी अगली प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं, तो इसकी मेन प्रॉब्लम्स हुआ कैमरे को लेकर। अगर मैं ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो लाइट होता है ना, जैसे हम किसी लाइट के सामने इस कैमरे को रखते हैं तो इसके वो बार बार वो लाइनें आती है, वो लाइन आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं वही सेटअप है जो पहले करता था, पर इस बार क्या पता क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हुआ। तो मैंने कैमरा एप्लीकेशंस का डेटा एक बार क्लियर किया, तब जाके ये प्रॉब्लम मेरी फिक्स हुआ। मतलब कैमरे में कुछ ना कुछ बग्स है ज़रूर। इसके अलावा इसकी एक मेन इशू जो मुझे इस वाले अपडेट में देखने को मिला, जो एंड्रॉयड आर का अपडेट आया, इसकी रिफ़्रेश रेट को लेकर। दोस्तों, इसकी जो रिफ़्रेश रेट है, डेवलपर ऑप्शंस में ऑलरेडी आपको रिफ़्रेश रेट का ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, जिसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिले, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर इसके जो भी टॉप बेस्ट फीचर है सबके वीडियो लाने वाला हूँ, तो क्या क्या इसमें मिला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी तो मैंने आपसे बात किया केवल इस प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके अलावा इसकी एक मेन प्रॉब्लम जो मैंने चार्जिंग को लेकर बताया, मतलब अभी मुझे 2 से 2.5 घंटे चार्ज करने में लग ही जाता है। मतलब ये 50% तक चार्ज होने में काफ़ी स्लो चार्ज होता है, और उसके बाद 50 से 90 बहुत जल्दी हो जाता है, और 90 से 100 तक पहुंचने में तो वही 20-25 मिनट ले ही रहा है ये, जैसा पहला लेता था। बट यहाँ मुझे डबल टाइमिंग देखने को मिला। और हाँ, इस वाले अपडेट के बाद मेरा चार्जर काफ़ी हीट कर रहा है। अब क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता, इसके हार्डवेयर में कुछ ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से मेरे चार्जर्स को ज़्यादा लोड मिल रहा है, जिसकी वजह से वो हीट कर रहा था। एक प्रॉब्लम वो भी हो सकती है। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी का सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस दोस्तों, आपको जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ मैं उसी को बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, मैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे फीचर्स और उसकी क्या क्या कमियाँ रहेगी, जैसा मैं अभी इसको यूज़ करा, अभी तो मुझे 10-12 घंटे भी नहीं हुए इसको यूज़ करते और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, और अभी तक अगर आपने पोको X2 को अपडेट नहीं किया है, तो गलती से भी Xiaomi का जो पोको X2 है उसको अभी थोड़े समय के लिए आप अपडेट मत करिए। हमेशा मैं अपने वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई अपडेट आता है तो 1 से 2 वीक हमेशा वेट करें। पर मुझे नहीं लगता कि कोई पोको का यूज़र्स
वेट कर सकता है, क्योंकि पोको फ़ोन वही लोग लेते हैं जिनको टेक से थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान पोको नाम सुनकर ही डरता है ये कौन सी कंपनी है, तो भरोसे का भी खेल होता है। और यहाँ एक जो समझता है वही पोको फ़ोन लेता है। तो बस मैं इतना ही इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा था। उम्मीद है वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट रहते हैं नीचे सजेस्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।